अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस हेयर स्टाइल को बनाने वाले हैं और शुरू करते हैं। हम स्प्रे किया हमने बालों को, शाइन स्प्रे किया ये मैंने, बालों को ब्रश किया, टेंगल फ्री किया। तो हम शुरू करते हैं। हमने एक साइड से बालों को लिया और उसी में से एक छोटा सा पार्ट लेके तो उसको ऊपर से घुमा के हिला के इस तरह हमने इसको बनाया। और ये जो हमने स्टार्ट में पार्ट लिया है, बालों का एक हिस्सा जो लिया है, उसी में से ही हमने बार बार छोटे छोटे बालों का हिस्सा लेते जाना है। और इस वाले हिस्से को हमने इसी तरह बनाते जाना है, एंड तक हमने बनाना है जहाँ तक के थोड़े से बाल रह जाए। तो हमने इसको ये देखे, एक साइड हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी साइड पर आते हैं। इस तरह से भी हमने उतने ही बाल लेने हैं और इसी पार्ट में से बार बार हमने छोटे छोटे बालों के हिस्से लेके तो इस वाली साइड की ब्रेड को भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा बाल नहीं लेने, इसी में से जो हमने हाथ में पकड़े हुए हैं बाल, इसी में से हमने बाल लेते जाना है और इस ब्रेड को इसी तकनीक के साथ हम बनाते जाना है। ये देखिए, दूसरा हिस्सा भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने इस साइड के जो थोड़े से बाल बचे थे स्पोर्ट के लिए, ये देखिए हमने दोनों को लेना है। क्लिप हमने उतार दिया, दोनों को लेके बालों को दोबारा से हमने कॉम किया और इस वाले दोनों हिस्सों को हमने पकड़ के तो हमने पोनी कर देनी है, रबड़ चढ़ा देना है हमने। पोनी हमने कर ली है और अब इस ब्रेड में से जो निकले हुए बाल हैं उन्हीं को ही हमने बस उठाना है। ये देखें, इस साइड से भी और उस साइड से भी इन बालों को लेके तो हमने अच्छी तरह स्प्रे किया। स्प्रे करके तो इनको हमने लाइनों को फाइन करना है। दोनों साइड से हमने लाइनों को क्लियर करके तो इसके ऊपर भी हमने रबड़ चढ़ा देना है, पोनी कर देनी है। बालों को एक दफा फिर हमने कॉम किया और उसके बाद फिर दोबारा से जैसे ही हमने ऊपर से एक साइड से बालों का हिस्सा लिया था, इसी तरह उसी अमल को हमने नीचे दोबारा दोहराना है और उसी तकनीक को लेके हम चलेंगे। ये देखें, सेम ऐसे ही हमने इस ब्रेड को भी रेडी कर लेना है। इस वाले हिस्से को भी हमने रेडी कर लिया। यहाँ पर हम इसको लॉक करेंगे। अब हम दूसरी साइड पे आएंगे। बालों को नीट किया, कॉम किया और उतना ही हिस्सा, उतने ही बालों का जो पार्ट है वो हमने इधर से लिया और इसी तरह इस ब्रेड को हम इस साइड से भी उसी तकनीक के साथ इस साइड से भी हम इसको बना लेंगे। बहुत ही आसान और इजी हेयर स्टाइल है।
एंड तक आप हमारे साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा। मेरा ये काम आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। फिर हमने यहाँ पे कोनियाँ कर दी, रबर चढ़ा दिया बालों को। हमारा ये वाला हिस्सा भी डन हो गया है। यहाँ भी हमने रबर चढ़ा देंगे बालों पे। नीचे वाले बालों को दोबारा से फिर हमने कॉम करके नीट किया और जो इस ब्रेड से निकले हुए बाल हैं उनको हमने स्प्रे करके तो लाइनों को नीट कर लेना है। ये देखें, इस तरह हमने लाइनिंग को नीट करके इस साइड से भी स्प्रे किया और लाइनों को नीट किया और इन्हीं लाइनिंग वाले पार्ट को हमने दोबारा से इकट्ठा कर लेना है जैसा कि हमने ऊपर किया था। सिर्फ इन्हीं बालों को हमने लेना है और इन्हीं बालों पे लाइनिंग इनकी जो है वो नीट करके तो हमने यहाँ भी एक पोनी कर लेनी है इन्हीं बालों को इकट्ठा करके। बिल्कुल नीट हमने एक एक करके लाइन को नीट करना है ताकि वो हमारे हेयर स्टाइल में दिखाई दे, नजर आए। सारे बालों को इकट्ठा करके हमने यहाँ भी रबड़ चढ़ा देना है, पोनी कर लेनी है एक। जहाँ से हमें लगे कि खींचे हुए बाल है हमने वहाँ से उनको थोड़ा सा लूज कर देना है। बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने बालों को इन लाइनिंग को हमने थोड़ा थोड़ा लूज कर दिया। ये देखें, हमने यहाँ भी पोनी कर दिया है और फिर हम नीचे वाले बालों पे भी इसी तरह सेम वही, पहले हमने बालों को शाइन स्प्रे किया, बालों को नीट किया, टेंगल फ्री किया।
सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर साइडों से ब्रेड बनाई है, सेम ऐसे ही हमने दोबारा फिर नीचे ऐसे ही बिल्कुल ये देखें जैसे ऊपर हमने बनाई है वैसे ही सेम हमने नीचे बनानी है। हमारा हेयर स्टाइल डन हो गया है, ये देखें कितना खूबसूरत हमारा हेयर स्टाइल जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टेक्निक के साथ ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने हेयर स्टाइल को बनाया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ स्टेप बाय स्टेप आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। नए आने वाले को जो नए मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको वेलकम, बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो चैनल में आए और मेरे वीडियो को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।